दोस्तों, टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम ठीक करने वाले हैं, रिपेयर करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं लेजर जेट पावर सप्लाई, और इसका पार्ट नंबर है RM1-2316, और इसमें HP प्रिंटर में यूज़ होता है। इसका पार्ट नंबर आप डालोगे यहाँ पे, देखोगे RM1-2316, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऐसे आपको गूगल पे चेक करना है, RM1-2316, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्ट नंबर लिख के। तो ये कैनन 1020 HP 1020 कैनन LVP 2900B में ये लगता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लियर। और तो चलिए इसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फिजिकली वेरीफाई करके देखता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप पहले रिपेयर करते हो, उससे पहले आप चेक कर लो फिजिकली। तो ये देखिए, कैपेसिटर हल्की सी फुली हुई लग रही है, मतलब इसमें ये देखिए लीकी हो गया, जिसकी वजह से पावर सप्लाई हमारा नो पावर हो सकता है, या यहाँ पे देखिए कुछ कार्बन से दिख रहे हैं, तो ये हो सकता है डैमेज वगैरह होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको ट्रबल शूटिंग करना सीखते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं और कैसे इसे ठीक कर रहे हैं आसानी से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मल्टीमीटर की लीजिए अपने को, बीप रेंज पर सेट करना है, फ्यूज को चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज ओके, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, बिलो 10 ओम। देखिए ये वाला चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लियर विजिबिलिटी में दिखाता हूँ। देखिए वो रेजिस्टेंस ये वाला है, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है। आप जैसे आप आपस में प्रॉपर टच करोगे ऐसे बीप करेगा, वैसे यहाँ पे टच करोगे तो ये बीप करना चाहिए, ये बीप नहीं करता है। तो इसके बिहाइंड द सीन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वाला ओपन हो जाता है, ये कैपेसिटर हमारा सॉरी रेजिस्टेंस हमारा ओपन हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल के एक बार देखेंगे, ये फट चुका है। जब तक ये इसे हम चेंज नहीं करेंगे, हमारा पावर सप्लाई वोल्टेज नहीं आएगा। चलिए उसका वोल्टेज एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि क्यों हम इसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले चेंज करने से पहले हम शॉर्टिंग को एक बार क्लियर कर लेंगे कि हमारा मॉस्फेट वगैरह शॉर्ट ना हो, नहीं तो क्योंकि फ्यूज तो मॉस्फेट वगैरह सब कुछ क्लियर है। एक बार लगाते हैं पावर को लाइव, देखते हैं क्या इशू है। ये देखिए यहाँ से ऑन किया, बट यहाँ पे हमारे 23-24 वोल्ट मिलना चाहिए मल्टीमीटर रेंज पे। यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता वो देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मल्टीमीटर रेंज देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे 23-24 वोल्ट मिलना चाहिए, बट यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 300 वोल्ट कैपेसिटर पे चेक करें तो 300 वोल्ट यहाँ पे मिलता है, तो ओके हमारा ठीक है, अदरवाइज ओके नहीं है। ये देखिए तो 2 से 3 वोल्ट मिल रहा है, तो ये यानी कि हमारा जो पावर फ्लक्चुएशन का भी इशू हो सकता है, या हमारा कहीं ड्राई सोल्डरिंग का भी इशू है और भी इसके अलावा, ठीक है। 300 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एसी सप्लाई को चेक करेंगे, ठीक है, फिर उसे ठीक करेंगे। ये देखिए एसी सप्लाई हमारा आ रही है केबल में। अब स्टेप बाय स्टेप इसमें भी सर्किट में हम चेक करते जाएंगे, जिसे हॉट टेस्टिंग बोलते हैं, उसके बाद से फिर हम इसे रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एसी सेक्शन है, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए पूरा। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी वोल्टेज को रिसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 14-15 दिखा रहा है, ठीक है, तो रिवर्स वोल्टेज आ रहा है। चलिए देखते हैं एक बार और, सब फ्यूज को चेक करेंगे दोबारा से, ये जो फ्यूज है हमारी इसकी कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही। ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, बट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये देखिए तो कई बार ये कॉइल्स वगैरह भी टूट जाते हैं, इनके वजह से दिक्कत आता है। चलिए अब देखते हैं, इम्पोर्टेंस चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पे इनपुट का, कि हमारी कनेक्टिविटी यहाँ कॉइल्स तक आ रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं। ये देखिए ये वाली इस वाले से आ रही है, जिससे हमें इम्पोर्टेंस मिल रहा है। ये देखिए ठीक है, इसको ऑन तो है ही, अब इसको चेक करते हैं इसको मिल रहा है नहीं मिल रहा। देखिए इस ट्रैक पे यहाँ पे मिलना चाहिए, ओके डन।
यहाँ पे भी मिल रहा है, और इसको ट्रैक को चेक करते हैं यहाँ पे भी मिल रहा है। चलिए अब लगा के देखते हैं, क्योंकि फ्यूज में कई बार कार्बन वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पे 300 वोल्ट प्रेजेंट नहीं होता। चलिए डीसी सेट करेंगे अभी और यहाँ पे पावर लगा के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर हम कहीं डैमेज वगैरह चेक करेंगे ट्रैक वगैरह का। यहाँ पे 300 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 300 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 300 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज प्रेजेंट है। अब 24 वोल्ट को यहाँ चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं आ रहा है, और यहाँ पे 24 वोल्ट यहाँ प्रेस करके चेक करेंगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो हमारा रेजिस्टेंस ऑन हो चुका है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, या तो आपका ऐसे सेम वैल्यू का बिलो 10 ओम रेजिस्टेंस लगा दी, या तो आप इसकी जगह यहाँ पे ऐसा जम्पर वायर लेके जम्पर कर दीजिए बैक साइड से, आपका पीसीबी ऑन हो जाएगा और आपकी सप्लाई 24 वोल्ट बनाने लगे, क्रिएट करने लगे। चलिए फ्यूज को लगा लेते हैं बैक हाथों हाथ, तो डिस्चार्ज होने देना है, नहीं तो आप इसमें उस केस में लगाओगे तो आपका देखिए फिल्टर डिस्चार्ज हो रहा है, ये देखिए। पावर अनप्लग करके एक्टिविटी करना है आपको, वेट करेंगे जब तक डिस्चार्ज यहाँ हो जाए, तब तक हम इसे जंपर नहीं लगाएंगे। तो एक बार शॉर्ट कर देंगे ऐसे ट्यूजर को, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज हो चुका है, अब इसमें हम जंपर कर देते हैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक बैक साइड से, ठीक है। ये थोड़ा शोल्डर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो चुका है, अब इसको बंद करते हैं और अब एक बार हम पावर को लगा के चेक करते हैं बैक साइड से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, उसके साथ साथ भी ये फिल्टर को भी चेंज करना होगा, नहीं तो फिर से हमारा प्रिंटर जब लोड देगा तो इस पर मोटर वगैरह का, तो ये इस पर फिर से हमारा फ्यूज वगैरह ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आपको ये लोड पड़ेगा इस पर कैपेसिटर पे, क्योंकि कैपेसिटर बैलेंस नहीं कर पाएगा पीक वोल्टेज को। तो सप्लाई हम एक कैपेसिटर लेकर आते हैं, फिर उसको लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। एक डोनर बोर्ड मैं यहाँ से लिया हूँ, इससे मैं रिप्लेस करूँगा इसकी कैपेसिटर। ये देखिए इसकी कैपेसिटर बिल्कुल फ्लैट है, कोई फूली हुई नहीं है। इसमें क्या है कि जो हमारा ये फिल्टर है, ये देखिए हल्की सी उठी हुई है, फूल गई है, सेम कैटेगरी का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे और यहाँ से निकाल के उसमें लगा दें, नहीं तो ये आपकी सप्लाई फिर से ख़राब हो जाएगी। आपका रिपेयरिंग करना ना करना बराबर है। तो ये हम जो ब्लैक माइनस जो इस पर निशान बना हुआ, हम इधर जो वाइट पट्टी बनी है ये भी वाइट पट्टी मैच करके यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। देखिए बैक साइड में यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम थोड़ा सा शोल्डर लगा लेंगे इस पर। शोल्डर लगाने के बाद दोस्तों अच्छे से शोल्ड कर देंगे, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये हमारी शोल्डर लग चुकी है। ओके, ये हमारा शोल्डर लग के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हमने फ्यू उस पर भी लगा लिया रेजिस्टेंस को भी, और इसके बाद जो ड्राई शोल्डरिंग भी आपको ट्रैक पे दिखे तो भी उनको कर लेना है, अदरवाइज ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके सिस्टम सप्लाई में, जहाँ जहाँ आपको लगे कर लेना ज़रूरी है।
नहीं तो रिपीट केसेस हमारा ज़्यादा आते हैं इनके वजह से। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब चलिए पावर लगा के चेक कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 10 मिनट की ऑलमोस्ट, तो इसमें हम पावर लगाएंगे और ऑन करेंगे। दोस्तों ये हमारी सप्लाई ऑन हो चुकी है, मीटर को सेट करें डीसी रेंज पे, ठीक है 50, और यहाँ पावर चेक करेंगे। ये देखिए 24 वोल्ट प्रेजेंट हो चुकी है, जो भी वोल्टेज होगा हमारा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला यहाँ प्रेस करेंगे स्विच, उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए बिना प्रेस किए यहाँ 24 वोल्ट प्रेजेंट होगा। ये देखिए सही से आप लगाएंगे तो यहाँ 24 वोल्ट यहाँ दिखाएगा। आज अभी आप जैसे कवर ओपन बंद करते हैं, बंद करते हैं टोनर वाली, तो यहाँ पे 24 वोल्ट दिखाएगा। ये देखिए क्योंकि इसमें फ्लक्स लगा होता है, कभी पकड़ता कभी नहीं, तो इसी वजह थोड़ा शोल्डर लगा दें। शोल्डिंग करने के बाद आप चेक करेंगे 24 वोल्ट ठीक है, एक्यूरेट कॉन्स्टेंट आ रही है 42 24.43। तो इस तरह से हम सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं स्टेप बाई स्टेप, जो भी प्रॉब्लम होता है। आपने देखा लाइव, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।